अब खबर जनपद चमोली के पोखरी से है, जहां पर ठेकेदार संघ द्वारा नगर पंचायत पोखरी कार्यालय पर गुरुवार को तालाबंदी कर क्रमिक धरना शुरू किया गया। दरअसल ठेकेदार का कहना है कि 2022-23 में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत उन्होंने नगर पंचायत पोखरी में लाखों का कार्य करवाया है, लेकिन आज एक साल से ऊपर का वक्त बीत गया, लेकिन नगर पंचायत द्वारा अभी तक अवशेष धनराशि नहीं मिल पाई है। उधर नगर पंचायत के ईओ रोशन पुंडीर ने कहा कि शासन से जैसे ही उक्त धनराशि आएगी तो ठेकेदारों का भुगतान किया जाएगा। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। एक वर्ष बीत गया है, अभी तक हमारे नगर पंचायत के ठेकेदारों को कोई भुगतान नहीं हुआ। ठेकेदारों को दुकानदार द्वारा परेशान किया जा रहा है, मजदूरों द्वारा परेशान किया जा रहा है कि हमारा भुगतान किया जाए। जब ठेकेदारी को भुगतान नहीं हो रहा, ठेकेदार कहाँ से करेगा? ठेकेदार ऐसी कंडीशन में गुजर रहा है कि उसके पास आज जैन खाने के लिए रुपया नहीं है। नगर पंचायत आज पसंद ही नहीं दे रहे, कुछ कब करेंगे भुगतान? की अनियमितता का कोई सवाल नहीं है, मात्र जो ठेकेदार संघ का जो कहना है कि उनको उनके द्वारा जो कार्य किया गया है माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के तहत, उसका हमारे पास 33% की धनराशि उपलब्ध हुई थी, जिसका कि उनको भुगतान कर दिया गया है। और अभी बाकी जो धनराशि है वो शासन से आनी बाकी है। शासन से धनराशि प्राप्त हो जाने पर ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जाएगा।